जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसको NHB, जिसका हेड क्वार्टर क्या है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली 11003, इसका ऑफिशियल पिन कोड है। तो इसके अंतर्गत पर 48 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया, पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन TETS, मतलब TETS 7, जनरल मैनेजर के लिए SMG 5 के लिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए क्रेडिट के लिए, जो यहाँ पर है MMGS हो गया सेकंड, जो मैनेजर के लिए क्रेडिट के लिए, और उसके बाद में JMGS फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, चीफ इकोनॉमिस्टियन के लिए यहाँ पर है, इकोनॉमिस्ट जैसे लिखा गया है, ऑन हो गया कॉन्ट्रैक्ट डिप्यूटेशन से बेसिस में, और उसके बाद में प्रोटोकॉल्स ऑफिसर्स के लिए दिल्ली के लिए ऑन हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पे है, और एप्लीकेशन से जैसे भी यहाँ पर लिखा गया है, डेवलपर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद में सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंतर्गत पर, ठीक है, समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 26 जून 2024 से लेकर यहाँ पर 19 जुलाई 2024, इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट। अगर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म फिल करने की बात करेंगे तो www.nsb.org.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वापस मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्या चीज़ है। आप वीडियो को पूरा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया, www.nsb.org.in पर जाकर कब से कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है 29 जून से लेकर यहाँ पर 19 जुलाई 2024, इसका लास्ट डेट हो गया। देखिए, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 1/7/2024 से नोटिफिकेशन 29 जून 2024 को अपडेट हो चुका है, और 19 जुलाई यहाँ पर 2024 लास्ट डेट है। एक्सेट्रा जो भी चीज़ होगा तो बाद में देख लेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी का जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी थोड़ा इनके द्वारा अपडेट किया गया। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर है, जनरल मैनेजर के लिए स्किल सेकंड बेस के अंतर्गत पर, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस बेस के अंतर्गत पर एक पोस्ट यहाँ पर अपडेट किया गया। दूसरा असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गया, जैसे यहाँ पर क्रेडिट के लिए एक है, और उसके बाद में जैसे मैनेजर स्किल के लिए जो यहाँ पर नहीं, जो जनरल मैनेजर 7 बेस था, ठीक है। फिर उसके बाद में DY बेस के अंतर्गत में मैनेजर के लिए स्किल सेकंड के लिए इंक्लूडिंग ऑन बैकलॉग वैकेंसी अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्रेडिट के अंतर्गत पर 3 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट है, और OBC NCL के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है, टोटल 3 हो गया। असिस्टेंट मैनेजर स्किल फर्स्ट के लिए, जैसे यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए जो है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट है, OBC NCL के लिए 5 पोस्ट है, AWS के लिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व में 6 पोस्ट है, टोटल 18 पोस्ट है इंक्लूड किया गया। 1 पोस्ट PWD के लिए इंक्लूड है, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के अंतर्गत पर जो पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट बेस के अंतर्गत पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डिप्यूटेशन बेस के अंतर्गत पर जैसे 1 पोस्ट दिया गया, और उसके बाद में सेकंड है सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 12 पोस्ट, और उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ नंबर है प्रोटोकॉल्स ऑफिसर्स दिल्ली के लिए 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद में 5 नंबर है एप्लीकेशन डेवलपर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट, टोटल 48 पोस्ट है आपका कैटेगरी वाइज। जैसे ग्रांट टोटल किया गया तो 48 पोस्ट है जो दी गई है कैटेगरी वाइज, आपका देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके बाद में क्या निकल के आ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी इंपोर्टेंट होगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे सिटीजनशिप वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान परमानेंटली, तिब्बती रिफ्यूजी है 1968 सेकंड से, और उसके बाद में ये पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज और केन्या, युगांडा, दी यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया और जेंजेबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्टियन के लिए और कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूपिटेशन बेस के अंतर्गत मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 62-62 साल होनी चाहिए। और सेकंड है जनरल मैनेजर के लिए, यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 40 साल और मैक्सिमम 55 साल है। और थर्ड नंबर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए स्केल 5 के लिए मिनिमम 32 और मैक्सिमम 50 है। और उसके बाद में DY बेस के अंतर्गत पे मैनेजर स्केल सेकंड के लिए मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम 32। और 5 नंबर है असिस्टेंट मैनेजर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30। 6 नंबर है असिस्टेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस के
अंतर्गत पे, और मिनिमम एज लिमिट 40 और मैक्सिमम 59। 7 नंबर है प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 59। 8 नंबर है प्रोटोकॉल्स ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट में, मिनिमम एज लिमिट 50 और मैक्सिमम 62 है। 9 नंबर है एप्लीकेशन डेवलपर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 32 यहाँ पर होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एज रिलैक्सेशन है जो 5 ईयर्स का है, और बी पॉइंट है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 10 साल का, पीडब्ल्यूडी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 15 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, और एक्सेस सर्विस मैन से एटसेट्रा जो भी इंक्लूड हो जाता है तो सारी कैटेगरी में 5 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। और डीपली आप इसमें देख सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। देखिए चीफ इकोनॉमिस्ट बेस के अंतर्गत पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिप्यूटेशन के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया मिनिमम एजुकेशन एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन जैसे लिखा गया है इन मॉनिटरी इकोनॉमिक्स हो गया और इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिजरेबल कहा गया है। डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स से ऑब्लिक है बैंकिंग ऑब्लिक हो गया फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी प्रिफेयर मतलब यहाँ पर वो दिया जाएगा पहले, ठीक है ना, प्रिफेरेबल बेस की बात जो बात कही गई है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 1/7/2024 के अंतर्गत पर आपको एक्सपीरियंस ये चीज़ें होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट मतलब 15 साल ईयर्स का इन कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत पर ऑब्लिक है एफ आई के लिए, और रिप्यूटेड बेस के अंतर्गत पर रेटिंग होगी एजेंसी के अंतर्गत पर और गवर्नमेंट बॉडीज में होना चाहिए। आउट ऑफ विच मिनिमम 10 years of experience in the area related to Indian economy and scholars base के अंतर्गत पे economy base के अंतर्गत पे prefer या इसके अंतर्गत तो होगा housing sector base के अंतर्गत पे in a commercial bank oblique FI rating agency government bodies के अंतर्गत पे preference है shall be given to candidates with work experience as economist in commercial bank oblique हो गया FI के लिए और rating agency government body के अंतर्गत पे। दूसरा है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बेस की बात कही गई है टू लीडिंग्स फाइनेंशियल्स जो भी है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जनरल बेस के अंतर्गत की बात कही गई है क्या है जर्नल की बात कही गई है न्यूज़पेपर्स विल बी एडेड एडवांटेज जो चीज़ें यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ ICWAI ऑब्लिक है ICAI और ऑब्लिक है CFA ऑब्लिक है MBA होना चाहिए फाइनेंस और इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा गया मिनिमम 15 साल के लिए 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द बैंक ऑब्लिक है FI के लिए रेगुलेटरी बेस के अंतर्गत जैसे है रिलेटेड लैंडिंग्स जैसे है एंटिटीज ऑफ विच मिनिमम 12 ईयर्स इन हैंडलिंग क्रेडिट प्रोजेक्ट फाइनेंस इन बैंक ऑब्लिक है FI रेगुलेटेड लीडिंग्स एंटिटीज एंड द करंट पोस्ट हेल्ड बाय द कैंडिडेट्स शुड बी एट स्केल जो भी इसके अंतर्गत पे 6 बेस के अंतर्गत पे और इक्विवेलेंट इन PSBS हो गया ग्रेड डी इन द AIFS हो गया इक्विवेलेंट इन लैंडिंग एंटिटीज। फिर उसके बाद में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए क्रेडिट के लिए जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अलोंग विथ हो गया ICWAI ICAI और ऑब्लिक है CFA ऑब्लिक है MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट FRM फ्रॉम GARP ऑब्लिक है PRM फ्रॉम PRMI मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन द बैंक ऑब्लिक है FI हो गया रेगुलेटरी बॉडीज हो गया रेगुलेटेड लैंडिंग बेस के अंतर्गत पे एंटिटीज ऑफ विच मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर इन कॉरपोरेट क्रेडिट और प्रोजेक्ट फाइनेंस द करंट पोस्ट हेल्ड बाई द कैंडिडेट्स शुड बी स्केल जो 4 है इन PSB ऑब्लिक है ग्रेड सी इन AIFS ऑब्लिक हो गया इक्विवेलेंट इन लैंडिंग एंटिटीज। फिर उसके बाद में ड्यूटी मैनेजर के लिए क्रेडिट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ ICWAI ऑब्लिक है ICAI ऑब्लिक है CFA ऑब्लिक है MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम जो है इसके अंतर्गत पे GARP ऑब्लिक है PRM फ्रॉम PRMI जैसे है मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर्स इन दी बैंक ऑब्लिक है FI ऑब्लिक हो गया रेगुलेटरी बॉडीज ऑब्लिक है रेगुलेटेड लैंडिंग हो गया एंटिटीज
अदर बेस के अंतर्गत पे इन कॉरपोरेट क्रेडिट और प्रोजेक्ट फाइनेंस। द करंट पोस्ट हेल्ड बाई दी कैंडिडेट्स शुड बी एट स्केल फर्स्ट हो गया, NPS भी ऑब्लिक ग्रेड AIFI और इक्विवेलेंट। फिर है उसके बाद में सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन सी ऑब्लिक हो गया ICW MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट विथ बी प्रिफर्ड बेस के अंतर्गत पे। जैसे यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ऑफिसर्स विथ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स इन SCB ऑब्लिक है फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विथ इंस्टीट्यूशंस ऑफ विथ मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रेडिट ऑब्लिक है प्रोजेक्ट फाइनेंस। द लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन SCV ऑब्लिक है FI शुड बी एट SMZ स्केल्स 5 एंड हो गया एबब इन PSB और इक्विवेलेंट टू ग्रेड डी एंड एबब इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और इक्विवेलेंट। द लास्ट ड्राउन बेस के अंतर्गत पे ग्रॉस सैलरी जो चीज़ इंक्लूड हो जाता है शुड नॉट बी लेस देन दी ऑफ SMZ स्केल्स 5 ऑफ IBA स्केल्स। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन सी ऑब्लिक ICWE ऑब्लिक है MBA फाइनेंस और द इक्विवेलेंट विथ विल बी प्रिफर्ड है। जैसे यहाँ कहा गया ऑफिसर्स विथ मिनिमम्स वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन SCB ऑब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ विच मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रेडिट प्रोजेक्ट फाइनेंस। दी लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय दी कैंडिडेट्स इन दी SCB ऑब्लिक FI शुड बी एट MMZ स्केल से कि स्केल 3rd है यहाँ पे एंड एबव इन PSB और इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी एंड एबव इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इक्विवेलेंट। दी लास्ट ड्रॉ ग्रॉस सैलरी शुड नॉट बी लेस देन दी ऑफ MMZ स्केल्स 3rd और IBA स्केल्स। फिर उसके बाद में प्रोटोकॉल ऑफिसर्स दिल्ली है ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दी कैंडिडेट शुड बी इसी के अंतर्गत पे रिटायर्ड की बात कही गई ऑफिसर्स फ्रॉम RBI PSB FI इन इंडिया एंड शुड हैव वर्क इन सीनियर्स मैनेजर्स लेवल्स और उसके बाद मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन RBI ऑब्लिक PSB FI एंड इंडियन आउट ऑफ विच एटलीस्ट 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इन द एरिया ऑफ द पब्लिक रिलेटेड जो रिलेशंस ऑब्लिक हो गया प्रोटोकॉल्स ड्यूटीज जो इंक्लूड हो जाता है। एप्लीकेशन डेवलपर से है ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे BE हो गया ऑब्लिक ब्रैकेट में है CS ऑब्लिक IT ऑब्लिक BTEC होना चाहिए CS IT और MCA MTEC CS IT बेस के और BSc CS और IT और MSc हो गया CS IT बेस के अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अगर उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस बेस है तो अगर बात करेंगे तो जैसे ग्रेटर यहाँ गया देन 24 मंथ टू लेस देन 48 मंथ्स मतलब 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच के अंतर्गत पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज पर द जॉब होना चाहिए। प्रोफाइल्स मेंटेन्ड जो मेंटेन्ड होना चाहिए उसके अंतर्गत पे इन दी रिक्रूटमेंट सेल बी कंसिडर्ड जैसे कि यहाँ पर बात कहा गया ठीक है ना वैकेंसी इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे बोर्ड स्किल एक्सपीरियंस क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो JM GS बेस के अंतर्गत पे बात कही गई सबसे पहले तो हमने ऊपर किसके लिए बात किया जो यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया था ये चीज़ें इंक्लूड होके फिर उसके बाद में यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है JM GS के बेस के अंतर्गत फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए एकेडमिकल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये फुल टाइम से बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स 55% इन केस ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWBD और फुल टाइम से मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 55% मार्क्स 50% इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWBD फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स पासिंग क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया CA जिसको कहा जाता है ऑब्लिक CMA ऑब्लिक कंपनी सेक्टर जो सेक्रेटरी बेस के अंतर्गत पे मैनी आल्सो अप्लाई द कैंडिडेट्स मस्ट पास वैलिड मार्कशीट ऑब्लिक है डिग्री सर्टिफिकेट ऑब्लिक है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट दैट ही और ऑब्लिक CA मतलब मेल और फीमेल के लिए बात करें इज अ ग्रेजुएट ऑब्लिक है पोस्ट ग्रेजुएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्लिक है CMA ऑब्लिक है कंपनी सेक्रेटरी बेस के अंतर्गत पर वेर एवर एप्लीकेबल्स एज ऑन फर्स्ट यहाँ पर बात कहा गया है July 2024 एंड इंडिकेट्स दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन ग्रेजुएशन ऑब्लिक है पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्लिक है प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन वाइल रजिस्ट्रिंग जो ऑनलाइन ये चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वाइल नॉन जो है इसके अंतर्गत पे रियर जो एक्सपीरियंस है
प्रेयर जैसे एक्सपीरियंस इज द रिक्वायर्ड एनी रिलीवेंट एक्सपीरियंस वुड बी गिवन वेटेज। फिर उसके बाद में बोर्ड स्किल जो इसके अंतर्गत पे है, ब्रॉड जो स्किल की बात कही गई है, सेट रिक्वायर्ड बात कही गई है, कम्युनिकेशन से स्किल रिटन एंड हो गया, ओरल से एनालिटिकल से एबिलिटीज एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक्स सिनेरियो बेस की बात यहाँ पर कही गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसके लिए किस चीज़ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे तो अभी देखता हूँ मैं फॉर्म फीस क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सैलरी का स्केल भी बहुत चीज़ें दी गई है, जैसे आपका एग्जाम होना है तो GMGS फर्स्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जर्नलिस्ट के लिए जो एग्जाम होगा तो यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 और मैक्सिमम मार्क्स 60 और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, टाइमिंग 60 मिनट का होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे दिया गया जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, फिर उसके बाद में 40 मिनट टाइम और 30 है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये 35 में क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है 35 मिनट टाइम दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होना है। फोर्थ नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका रिलेट होना है, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, 45 मिनट दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम है, 155 क्वेश्चन 200 नंबर का। फिर उसके बाद में आपका क्या होना है, 3 घंटे का आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा 155 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, लेटर राइटिंग एंड ऐसे होगा आपका, यहाँ पर दो क्वेश्चन दी जाएंगे 25 मार्क्स का होगा, मतलब 12.5 नंबर का इंक्लूड ले लो या जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत में, या 15 या 10 नंबर जो भी चीज़ होगा जो भी इंक्लूड होगा देख लेंगे आगे। और इंग्लिश होगा इसके अंतर्गत, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पर 30 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी और एक लेटर राइटिंग और एक एसे के लिए, या तो एक 15 नंबर का होगा एक 10 नंबर का या 12.5 नंबर का जो भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन लैंग्वेज इसका इंग्लिश में होना है, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव बेस का ये पेपर है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में वैसे तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन तो मैंने इंक्लूड कर दिया आपके फॉर्म फिल करने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। वैसे पे स्केल दिया गया है कि जनरल मैनेजर के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, डिप्यूटी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए किसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, चीफ इकोनॉमिस्ट बेस के लिए और सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए। आप देख लीजिएगा आपका जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, वैसे तो अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD के लिए 175 रुपये, अदर देन के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD के लिए 850 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। और उसके बाद में एग्जाम सेंटर आपका देखिएगा, आपका जो स्टेट है टोटल 20 स्टेटों के अंतर्गत पे जो इंपोर्टेंट कैपिटल है, ठीक है, उन पे दिया गया है टॉप स्टेटों के इंपोर्टेंट जो कैपिटल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वैसे तो बांटा गया है। आपका जो भी नियरेस्ट बेस में हो जाता है, अगर आपके स्टेट के अंतर्गत पे नहीं है स्टेट की कैपिटल या स्टेट के अंतर्गत पे एग्जाम सेंटर नहीं है तो दूसरे अदर स्टेट या दूसरे स्टेट में जो भी है तो नियरेस्ट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल, क्योंकि ये हाई लेवल के लिए जॉब है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो नॉर्मली नहीं है, ठीक है। नहीं उसके लिए तो और वैकेंसी अभी अपडेट है, मैंने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम पे डॉक्यूमेंट एक्सेक्ट्रा जो भी चीज़ कही गई है सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा। वैसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए रिलेट कर दिया शॉर्ट रूप से जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया था वैकेंसी के लिए, 48 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर पूरा का पूरा वैकेंसी इंक्लूड है किसके लिए, अलग अलग डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए जो कब रिलेट किया गया था वैकेंसी अपडेट नोटिफिकेशन 48 पोस्टों के लिए 29 जून 2024 को 19 जुलाई 2024 फॉर्म फिल करने का आपके पास में टाइम है फॉर्म फिल करने का। पूरा नोटिफिकेशन मैंने टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।